अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे खैरियत से। आज मैं बनाने जा रही हूँ अल्फाम चिकन, तो मैं ये सिगड़ी पे बनाने वाली हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए मैं क्या क्या ली हूँ और ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक फुल साइज़ चिकन ले लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने उसको ना हर जगह से एक कट लगा लिया है कि जो हम मसाला लगाएंगे वो अंदर तक इसमें चला जाए। तो इस तरीके से ये मैंने चिकन ले लिया है। अब इसके लिए हम मसाला बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ साबुत मसाला ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसको 3 to 4 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से इसमें अच्छी स्मेल आने लग जाए, जब तक का हमको करना है, फिर ये ठंडा कर लेंगे साइड में रख के और इसको एकदम दरदरा करके ऐसे पीस लेना है। और जैसे ही इस तरीके से ये हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टमाटो और 1 टमाटो को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और 2 अनियन इसमें स्मॉल साइज़ में डाल दी हूँ। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ हैंडफुल ऑफ हरी धनिया डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे एज़ पर टेस्ट। और उसके बाद इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी 1 लेमन जूस, तो लेमन जूस आप जितना भी, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून पेपर पाउडर। और जो हमने चिकन लिया था वो हम इसमें, ये जो भी मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पूरा अप्लाई कर दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो है चिकन, इसको ना ये ओवरनाइट आप रख देना। तो ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको अर्जेंट में बनाना है, तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आप इसमें मसाला लगा के रख दीजिए। और जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज हो जाता है लगा के, तो 3 आवर्स रखने के बाद हम इसमें लगाएंगे दही, और दही को भी लगा के हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देना है। तो जैसे कि 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें दही लगाएंगे। आपकी जैसी चिकन की साइज़ है उस हिसाब से इसमें दही अप्लाई करना, ये पूरा अच्छे से दही में कोट हो जाए उतना। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अब सिगड़ी जला रही हूँ, तो ये जैसी इतना अच्छे से देखिए आप जल चुका है। तो हम इस पे अल्फाम रख देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अल्फाम चिकन इस जाली में लगा दिया है और इसमें हमने कुछ भी ऑयल अप्लाई या बटर अप्लाई नहीं किया अब तक। तो ये 2 मिनट के लिए इसको हम एक साइड पकाएंगे, और जैसे ही पक रहा है तो हम दूसरे साइड में ऑयल या फिर बटर, आपका जो भी आपकी चॉइस है आप लगा सकते हैं। तो मैं इसमें ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप बटर भी लगाएंगे तो उसकी जो स्मेल और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई कर दिया हूँ और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक का चिकन अच्छे से पक नहीं जाता है, जब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ मेरा चिकन रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।